जब से PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा है, तब से NIA लगातार इस प्रतिबंधित संगठन के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बीते सोमवार को NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत देश भर में PFI के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि PFI के कई ओवरग्राउंड वर्कर एक बार फिर से देश विरोधी गतिविधियों में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक PFI पर प्रतिबंध लगने और इसके शीर्ष नेताओं के जेल जाने के बाद संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित और मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। इसी के चलते NIA ने देश के अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। NIA की टीम ने चकिया के कुआबा गांव में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सज्जाद अंसारी नाम के शख्स के घर जाँच की गयी। PFI से जुड़े मामलों को लेकर ये कार्रवाई की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले दिनों NIA की छापेमारी में गिरफ्तार इरशाद की निशानदेही पर जांच एजेंसी ने ये छापेमारी की है, जिस सज्जाद अंसारी की अगर रेड हुई है वो सऊदी अरब में नौकरी करता है। दरभंगा में भी NIA की टीम ने मंगलवार अहले सुबह दो जगह छापेमारी की। ये कार्रवाई लहरिया सराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार स्थित डेंटिस्ट डॉक्टर सारिक रजा और सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी मोहम्मद महबूब के घर पर हुई। NIA की कार्रवाई सुबह लगभग 4 बजे तक चल रही। सूत्रों के अनुसार PFI संगठन से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ की गई है। सेवड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में सुबह लगभग 4 बजे NIA की टीम पहुंची, जहां जांच की टीम ने अधिकारी गांव के ही मोहम्मद महबूब के घर को घेर कर तलाशी में जुट गए। 40 वर्षीय मोहम्मद महबूब स्थानीय स्तर पर नेतागिरी का काम करता है, विधानसभा के लिए भी चुनाव लड़ चुका है। फिलहाल छापेमारी टीम के सदस्य दोनों जगहों पर कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। बता दें कि पिछले साल 2022 में केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया था। केंद्र ने इस संगठन पर 5 साल का बैन लगाया है। PFI और ISIS जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन से संबंध रखने, आतंकी फंडिंग और हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप हैं। साल 2022 में 22 सितंबर और 27 सितंबर को NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने PFI पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में PFI से जुड़े 106 लोग गिरफ्तार हुए। दूसरे राउंड की छापेमारी में PFI से जुड़े 247 लोग हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर ही गृह मंत्रालय ने PFI पर बैन लगाने का फैसला किया था। कई और संगठन भी हुए बैन। केंद्र ने PFI के अलावा रिहैब इंडिया फेडरेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन पर भी बैन लगाया गया था। PFI पर बैन लगाने के फैसले पर UAPA से संबंधित ट्रिब्यूनल अपनी मोहर लगा चुका है। संगठन पर UAPA एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि ट्रिब्यूनल का नेतृत्व कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने PFI पर केंद्र के प्रतिबंध को सही ठहराया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी और तमिलनाडु का मनता नीति पसरे साथ आए थे। PFI खुद को गैर लाभकारी संगठन यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताता है। PFI में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी संगठन नहीं देता। PFI की गतिविधियों और NIA की दोबारा छापेमारी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।